मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अंजू मैम, योर EVS टीचर फ्रॉम SP पब्लिक स्कूल कटराथल। स्टूडेंट, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, वर्क वी डू, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे वर्किंग चिल्ड्रेन। यानी वर्किंग चिल्ड्रेन कौन सी होते हैं? स्टूडेंट्स देखो, यू आर लक्की टू बी इन ए गुड स्कूल, यानी आप बहुत लक्की हो जो कि आप अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए आते हो। यू कैन स्टडी एंड फॉलो एनी ऑक्यूपेशन व्हेन यू ग्रो अप, क्योंकि स्कूल में आते हो तो आपको यू कैन स्टडी यानी आप पढ़ते हो और ऑक्यूपेशन के बारे में सीखते हो जब आप बड़े होगे तब। बट देर आर सम चिल्ड्रेन हु आर नॉट सो लक्की, लेकिन कुछ चिल्ड्रेन होते हैं वो इतने लक्की नहीं होते हैं, जिसका रीजन क्या है? देखो स्टूडेंट्स, सम चिल्ड्रेन देयर फैमिलीज आर सो पुअर, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परिवार क्या होते हैं, बहुत ही पुअर होते हैं, यानी गरीब होते हैं, दैट दे कैन नॉट सेंड देम टू स्कूल, जिसके कारण वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाते हैं। दे गो आउट वर्क एंड अर्न मनी फॉर देयर फैमिली, यानी वो अपने परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं। और किस रूप में कार्य करते हैं? देखो स्टूडेंट्स, चिल्ड्रेन वर्क एज न्यूज़पेपर बॉयज, न्यूज़पेपर बॉयज के रूप में, इसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में, रैग पिकर्स के रूप में, एंड हेल्पर्स इन हॉस्टल्स एंड फैक्ट्रीज। इसके रूप में स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो होटलों में आपको चाय पकड़ाते हुए मिलेंगे, कचरा उठाते हुए मिलेंगे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पर। तो ऐसे बच्चे जिनके परिवार बहुत ही पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, वो स्कूल में उनको नहीं भेज पाते हैं और अपने बच्चों को छोटी सी उम्र में काम पर लगा देते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, चाइल्ड लेबर, अब ये बाल श्रम, चाइल्ड लेबर क्या होता है? देखो, मेकिंग चिल्ड्रेन वर्क अंडर 14 ईयर्स इन ऑर्डर टू अर्न मनी, यानी 14 वर्ष की आयु से कम बच्चे जो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं, वो होता है चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम। द राइट टू एजुकेशन इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, अब ऐसे बच्चे होते हैं इनका क्या होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो भी बच्चा आपको 14 वर्ष की आयु से कम उम्र में कार्य करते हुए मिले तो वो क्या है, होता है कानून के विरुद्ध होता है, तो इसके लिए हमें कंप्लेन करनी चाहिए। यानी हम कहीं पर भी, जैसे कहीं भी जाते हैं तो छोटी आयु के, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हमें कार्य करते हुए दिखाई दे तो उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस तरह से सरकार प्रयास कर रही है। और देखो, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑन 12 जून, यानी 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको इस दिन नहीं, अलग अलग हर साल नए नए थीम किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, ऑफ्टन दी चिल्ड्रेन लीड ए वेरी टफ लाइफ, अब ऐसे बच्चे होते हैं जो चाइल्ड लेबर वाले होते हैं, उनकी लाइफ होती है वो कैसी होती है, बहुत ही टफ होती है। दे आर मेड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड पेड वेरी लेस, यानी ये बहुत लंबे समय तक कार्य करते हैं और बदले में इनको बहुत ही कम पैसा मिलता है। समटाइम्स दे डोंट इवन गेट सफिशियंट फूड एंड लिव इन डर्टी प्लेस, यानी कभी कभी क्या होता है, पेट भर इनको भोजन भी नहीं मिलता है और ये डर्टी प्लेस यानी गंदी जगह पर रहते हैं। द राइट टू एजुकेशन इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, यानी प्रत्येक चाइल्ड का राइट टू एजुकेशन है, वो हर मतलब शिक्षा का अधिकार है, यानी प्रत्येक बच्चे को क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। चाइल्ड लेबर इज लीगल इन इंडिया विच मीन्स दैट इट इज अगेंस्ट लॉ, यानी चाइल्ड लेबर है ये कानून के विरुद्ध है। इट स्टेट्स दैट गेटिंग एजुकेशन इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टिल द एज ऑफ 14, यानी प्रत्येक बच्चे का जो कि 14 वर्ष की आयु तक हो
उसको एजुकेशन प्राप्त होनी ही चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयास कर रही है। सरकार ने 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बाल मजदूर की स्थिति में सुधार करने के लिए एक्ट लगाया गया था और 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स, आप बहुत ही लक्की हो जो आपको ऐसी स्कूल मिली है। थैंक यू।